नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो आपकी स्किन की परेशानियों से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसमें बहुत सारी स्किन की परेशानियां, ड्राई स्किन, और आपकी स्किन निकलने भी लग जाती है, कई बार आपके लिप्स फटने लग जाते हैं, कई लोगों के डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों के पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, और अगर पिंपल्स नहीं होते तो कई बार धब्बे पड़ने लग जाते हैं फेस पे, या पिंपल्स के जो निशान हैं वो ईजीली नहीं जाते। तो दोस्तों, जो आपकी ये सारी परेशानियाँ हैं, ये आज हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आपको देने जा रहे हैं जिससे आपकी सारी की सारी परेशानियां इजीली घर बैठे सॉल्व हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें अगर आप लोगों को अपने स्किन की परेशानियों से छुटकारा पाना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक से आपके हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारी इंस्पिरेशन बढ़ती है। अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कृपया करके लाइक कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटे के बटन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिए, ताकि हम आप लोगों को जल्द से जल्द हमारी वीडियोस की अपडेट इजीली सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नुस्खा जो आप लोगों की स्किन को क्लियर करने के लिए है, जिन लोगों की स्किन क्लियर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, या जिनके जो ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ने लग जाते हैं वो धब्बे साफ़ हो सकें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिया है और एक बाउल में थोड़ी सी हल्दी ली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टमाटर हमारी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कोई भी घरेलू नुस्खा अगर आप अपनी स्किन से रिलेटेड करना चाहेंगे तो उसमें आप टमाटर मोस्टली ज़रूर देखेंगे, क्योंकि टमाटर हमारी स्किन को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ऐसे ही हमें हल्दी लेनी है। कई लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि हल्दी से चेहरा पीला पड़ने लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है, लेकिन जो हल्दी होती है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है स्किन के लिए। इसीलिए मोस्टली हल्दी के फेस वॉश या पैक्स वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि स्किन क्लियर हो सके। जो दाग धब्बे हैं या जो आप लोगों के पड़ने लग जाते हैं फेस पे, पिंपल्स के निशान नहीं जाते हैं, वो जो गड्ढे पड़ जाते हैं, वो ये भरने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे इसे लगाना है, क्या करना है आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जो टमाटर है इसे बीच में से काटना है, बिकॉज आधा टमाटर आपको आपके फेस पे लगाने के लिए इनफ होगा। आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने टमाटर काट लिया है आधा, आपको सिर्फ आधा टमाटर लेना है, हल्दी में इसे डिप करना है, अच्छे से इसके ऊपर हल्दी लगा लेनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर अच्छे से हल्दी लगा ली है। अब आप लोगों को इसे अपने स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। मैं आपको अपने हाथ पे इसे लगा के दिखा रही हूँ आपको इसे कैसे अच्छे से अपने फेस पे लगाना है। और याद रखें, इसे बीच बीच में टमाटर को आप स्क्वीज करते रहें, ताकि आपको टमाटर के भी नेचुरली वो मिल सके हल्दी के साथ साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे अपने हाथ पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों को इसे अच्छे से रब करना है, इसे अच्छे से लगाते रहें। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर लगाएं अपनी स्किन के ऊपर, आपको बहुत ही जल्द फर्क दिखने लग जाएगा। आपके जो ब्लैक धब्बे हैं स्किन के ऊपर वो इजीली हट जाएंगे। आप लोगों को कोई भी केमिकल वाली क्रीम या फेस वॉश या जो भी है केमिकल से रिलेटेड, वो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं अपने फेस के ऊपर। और जैसे कुछ लोगों को ड्राई स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो हल्दी नहीं यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हल्दी जल्दी से सूट नहीं होती है, आप लोग आधा टमाटर कट करके आधे टमाटर के ऊपर शहद, हनी डाल सकते हैं। इस पर थोड़ा सा शहद डाल के उसे अपनी स्किन के ऊपर, जैसे आप, मैं ये हल्दी लगा रही हूँ, हल्दी और टमाटर, आप लोगों को उसे अपने फेस के ऊपर लगाना है और 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसे अच्छे से मसाज करना है। फिर उसे थोड़ी देर सूखने दें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से
लगा लिया है। इसे अच्छे से लगाने के बाद आप लोगों को इसे वॉश कर लेना है। मैं इसे वॉश करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसको वॉश करने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कितना साफ होता है या एक बारी में आप लोगों को कितना फ़र्क महसूस होगा इसको लगाने के बाद। दोस्तों जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में फ़र्क आप लोगों को दिख रहा होगा। ये थोड़ा फिर भी क्लियर है बट ये है हल्दी की वजह से थोड़ा येल्लो हो गया है। ये जो नुस्खा है एक नेचुरल स्क्रब का भी काम करता है तो आप लोगों को एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज आपको एक दूसरा नुस्खा और बताने जा रही हूँ जिसमें कि आप लोगों को टमाटर ही यूज़ करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ये आधा टमाटर जो रखा हुआ था कटा था बचा के रख दिया था और अब आप लोगों को जो जो लेना है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे यूज़ करना है और क्या क्या आपको लेना है कितनी क्वांटिटी में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है एक बाउल में, थोड़ा सा आधा नींबू जो बचा था वो ही है और थोड़ा सा दूध। दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं और अगर उबला हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा दूध लेना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसको आपको कैसे यूज़ करना है। पहले आप लोगों को जो आधा टमाटर है इसे कद्दूकस करना है, अच्छे से इसे घिस लेना है। तो मैं आपको करके बताती हूँ ये कैसे होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कद्दूकस ले लिया है, अब मैं इसे अच्छे से घिसूँगी। जितना अच्छे से इसे घिस सके ताकि ये बिल्कुल एक लिक्विड से फॉर्म में आ जाए इसे उतना अच्छे से मैश करना है। अगर आप लोगों के पास मिक्सी है तो आप लोग इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं। हमें 2 से 3 टेबलस्पून पिसा हुआ टमाटर चाहिए तो उतना आधे टमाटर में आपका 2 से 3 टेबलस्पून निकल जाता है, इसलिए मैंने आधा ही टमाटर लिया है। आप लोगों को अगर ज़्यादा अलग बनाना है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा एक टमाटर भी पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने टमाटर आधा कद्दूकस कर लिया है। अब आप लोगों को जो करना है 2 से 3 टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा लेना है। मैं 2 टेबलस्पून आटा ले रही हूँ। अब इसमें आप लोगों की टमाटर प्यूरी मिलानी है जो हमने टमाटर को अच्छे से कद्दूकस किया है, आप लोग इसे मिला लें अच्छे से। 2 से 3 टेबलस्पून ही बना है उतना आपको लेना है उसमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छे से टमाटर डाल दिया है और उतना ही आपको दूध लेना है 3 टेबलस्पून ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप लोगों को इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ये एक नेचुरल स्क्रब का काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि इसे आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है अपने हाथ पे। इसे एक बात और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, इसे आप जब भी यूज़ करें ये या कोई भी पैक अपने फेस पे लगाएं, कोई भी स्क्रब वगैरह लगाएं तो उसे सर्कुलर मोशन में ही लगाएं। मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने स्किन पे कैसे लगाना है। तो इसे अच्छे से अपने हाथ पे अपने लगा के जैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोग इसे फेस पे अपनी गर्दन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से यूज़ करें, इसे मसाज करनी है आपको 4 से 5 मिनट तक। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसे आप लोगों को धोना है, जब तक ये ड्राई ना हो इसे ना धोएं, इसे तब तक मसाज करते रहें। 4 से 5 मिनट ही आप लोगों को मसाज करनी है, उससे ज़्यादा मसाज मत कीजिएगा। इसे अच्छे से मसाज करके
5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें जब तक ये अच्छे से ना सूख जाए। जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद आप अपने किसी भी फेस वॉश या नॉर्मल वाटर से भी इसे धो सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ करके कि आप लोगों को कैसे लगाना है इसे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। ये थोड़ा ड्राई होगा, ये आपके स्किन पे स्क्रब के लिए काम करेगा। तो इसे ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, बिल्कुल स्लोली करके इसे अपने फेस पे लगाएं, क्योंकि आपके फेस की स्किन बहुत ही नाजुक होती है तो वो कहीं ज़्यादा फट ना जाए। तो इसलिए इसे नेचुरली बहुत धीरे धीरे अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत धीरे धीरे इसे लगा रही हूँ अपने, ऐसे आपको अपने फेस पे लगाना है इसे। और फिर इसे थोड़ी देर छोड़ दे जब तक कि ये सूख ना जाए। इसे सूखने के बाद ही आप लोग इसे अपने नॉर्मल वाटर या जो भी आप फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं उससे धोना चाहें, उसके बाद आप लोग धो सकते हैं और आप लोगों को फ़र्क क्लियरली दिखने लग जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दोनों हाथ, मैंने अपना ये वाला हाथ अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें मैंने लगाया था, तो दोनों हाथों में फ़र्क आप लोगों को ईजीली दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही अब आप लोग अपने घरों में ज़रूर यूज़ कीजिएगा एक बार इन होम रेमेडीज़ को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आया या नहीं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप लोग इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आप लोगों को असर कुछ ही हफ्तों में दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों इसे अपना के हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।